हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से टॉपिक एनर्जी बैलेंसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर हीटर स्टीम एंड नेक्स्ट इज़ हीट बैलेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम अच्छे से यहीं पे इस वीडियो में कवर कर देंगे इन टॉपिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी बैलेंसेस क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। वी मे एक्सप्रेस एज टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम, टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है कि जो एनर्जी है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास कोई अंडरगोइंग सिस्टम है जिसमें प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपने कितने टोटल एनर्जी एंटर करवाई माइनस कितने उसमें से एनर्जी निकल रही है इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपका एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। जो टोट एनर्जी एंटर हुई माइनस एनर्जी आउट हुई इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हीट एनर्जी अब टू टाइप की होती है, सेंसिबल हीट एनर्जी एंड लेटेंट हीट एनर्जी। सेंसिबल हीट एनर्जी इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी मटेरियल है, उसकी उसका जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस बॉडी में उसे सेंसिबल हीट एनर्जी बोलते हैं। इस सेंसिबल हीट एनर्जी को हम टच कर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पैन लगा लो, हीटेड पैन है, उसका जितना तापमान आप बर्नर से बढ़ाओगे तो वो उतनी ज़्यादा हीट है जो प्रोड्यूस करेगी, उसको हम जब हम टच करके देख सकते हैं इसे सेंसिबल हीट एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट एनर्जी। इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज़ द इनहेरेंट हीट इन साइड द बॉडी दैट अलाउ फेस रिवर्सिबल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जो वाटर है आपको आपने उसको बॉयल करने के रखा हुआ है। ठीक है, वाटर जब उसका तापमान हाई हो जाता है तो वाटर का जो फेस है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर से वेपर फेस जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, इस जो फेस अब चेंज हो रहा है, इस चेंज होने के फेस को चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट एनर्जी बोलते हैं। इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। ठीक है, ये होती है लेटेंट हीट एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी टर्म्स। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। जो एसआई यूनिट है एनर्जी की वो जाउल है। एंड माइक्रोवेव एंड रेडिएंट हीट एनर्जीज अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं किसी भी मटेरियल द्वारा, उन्हें एक्सप्रेस की करते हैं हम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी अपॉन टाइम से। प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम एंड वेपर वाटर आर द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड हीट ट्रांसफर मीडिया इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वाटर इज आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट एट टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म। ठीक है, जो स्टीम एंड वाटर है ये मोस्ट टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड हीट ट्रांसफर मीडिया है इन फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो जो वाटर है वो एक मेजर कंपोनेंट है फूड प्रोडक्ट का। ठीक है, जब कोई भी वाटर का फ्रीजिंग एट टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का जो टेम्परेचर है अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में वाटर है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सैचुरेटेड लिक्विड। लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर, द टोटल प्रेशर अबव द लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू और हायर देन द वेपर प्रेशर। इफ द टोटल प्रेशर अबव द लिक्विड एक्सीड द वेपर प्रेशर, सम अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर अबव द लिक्विड। इफ द टोटल प्रेशर अबव अ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर, द लिक्विड इज एट द बॉइलिंग पॉइंट।
सैचुरेटर लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड है वाटर का वो इक्विलिब्रियम होता है विद इट्स वेपर में, ठीक है। जो टोटल प्रेशर है लिक्विड का वो या तो इक्वल होगा या फिर हाई होगा वेपर प्रेशर जो प्रेजेंट है उस सिस्टम में। उससे अगर टोटल प्रेशर लिक्विड का ज़्यादा है वेपर प्रेशर से, तो हम मानते हैं कि उस सिस्टम में कोई और गैसेस प्रेजेंट है उस एटमोसफियर में, ठीक है। अगर टोटल वेप प्रेशर अबव अ लिक्विड इक्वल टू अ वेपर प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर लिक्विड का इक्वल है वेपर प्रेशर से, तो वो लिक्विड है जो इज़ एट द बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड होगा। एट वन एटमोसफियर 20 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड फेज में। एट वन एटमोसफियर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, दैट इज़ रेडी टू वेपराइज्ड, ठीक है। जो एट वन एटमोसफियर एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फेज में, एंड वन एटमोसफियर प्रेशर दोगे अगर आप, एंड 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर करोगे वाटर का, तो वाटर है जो वो एग्जिस्ट करता है सैचुरेटेड लिक्विड में, क्योंकि इस स्टेज में जो आपका वाटर है वो रेडी होता है वेपराइज होने में, ठीक है, वेपर्स बनने के लिए रेडी होता है। इसे हम सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। अ लिक्विड दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड। आप इससे इतना भी बस याद रख सकते हो कि जो लिक्विड वेपराइज होने के लिए रेडी होता है उसे हम सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड वेपर, अ स्टेट वेयर सैचुरेटेड लिक्विड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू सैचुरेटेड वेपर। ये वो स्टेज है जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड, अभी हमने पढ़ा था सैचुरेटेड लिक्विड, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड वेपर्स में। इसे हम सैचुरेटेड स्टीम भी बोलते हैं, एंड इज वेपर एट द बॉयलिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज सैचुरेटेड स्टीम, इसे सैचुरेटेड स्टीम भी बोला जाता है, एंड इज वेपर जो कि बॉयलिंग टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय अ स्मॉल इंक्रीमेंट विल इंक्रीज द वेपर्स टू कंडेंस टू लिक्विड। दिस फेज चेंज इन अकम्पेन्ड बाय अ रिलीज ऑफ हीट, इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट until all vapors are converted to liquid, adding heat to the system will change either the temperature and the pressure or the both. इसकी जो मेन डेफिनेशन है सैचुरेटेड लिक्विड की, ये वो है कि जब सैचुरेटेड वेपर्स की जब सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट हो जाएं सैचुरेटेड वेपर्स में, उस स्टेट को हम सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम सैचुरेटेड स्टीम भी बोलते हैं। जब हम टेम्परेचर लो कर देते हैं सैचुरेटेड स्टीम का एक कांस्टेंट प्रेशर पे बाय अ स्मॉल इंक्रीमेंट करके, बाय अ स्मॉल इंक्रीमेंट विल कॉज अ वेपर्स टू कंडेंस टू लिक्विड, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होने स्टार्ट हो सकते हैं लिक्विड में। ये चेंज हो रहा है जो फेज, वो हीट रिलीज के कारण चेंज हो रहा है। इफ़ हीट हम रिमूव कर दें सिस्टम में से, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर है जो कॉन्स्टेंट रहेंगे तब तक जब तक सारे वेपर्स हैं जो कन्वर्ट ना हो जाएं लिक्विड में, ठीक है। एडिंग हीट टू द सिस्टम विल चेंज आइदर द टेम्परेचर और द फेज और बोथ। अगर हम हीट जो चेंज करते हैं सिस्टम में, तो उसके कारण टेम्परेचर एंड प्रेशर है जो दोनों चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड वेपर मिक्सचर, स्टीम विद लेस देन 100% क्वालिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉरस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग वाटर पॉइंट, देयर फॉर वाटर कैन एग्जिस्ट और एज आइदर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर। एडिशन ऑफ हीट विल नॉट चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर अंटिल ऑल सैचुरेटेड लिक्विड इज कन्वर्टेड टू द वेपर। रिमूविंग हीट फ्रॉम द सिस्टम विल ऑल्सो नॉट चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर अंटिल ऑल वेपर्स आर कन्वर्टेड टू लिक्विड। वेपर लिक्विड मिक्सचर क्या होता है, स्टीम, ये वो स्टीम है जिसकी 100% क्वालिटी से कम क्वालिटी होती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉरस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है दोनों काम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। देयर फॉर जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है आइदर, या तो फिर वो सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में होगा या फिर सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म में वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप एडिशन कर रहे हो हीट की, तो उसके वजह से आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा जब तक सारा सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए वेपर्स में। अगर आप हीट रिमूव कर रहे हो फ्रॉम द सिस्टम, तो उसकी वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज नहीं होगा तब जब तक आपका वेपर्स हैं कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में। ये वेपर लिक्विड मिक्सचर होता है। नेक्स्ट टाइप है स्टीम क्वालिटी। द परसेंटेज ऑफ अ वेपर लिक्विड मिक्सचर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड वेपर। जो परसेंटेज है वेपर लिक्विड मिक्सचर की वो सैचुरेटेड वेपर्स की फॉर्म में होती है, उसे स्टीम क्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम इज रेफर टू एज अ ड्राई स्टीम, मीनिंग इट कंटेन नो वाटर ड्रॉपलेट्स। सुपर हीटेड स्टीम इन विच द स्टीम हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, देन एडिशनल हीट हैज़ बीन एडेड। वाटर वेपर्स एट द टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सीड द बॉइलिंग टेम्परेचर इज द डिग्री सुपर हीट। सुपर हीटेड स्टीम वो स्टीम है जिसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं होती, ये एक ड्राई स्टीम होती है, ठीक है। जो सुपर हीट स्टीम है इस स्टीम पे क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हीट से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वाटर वेपर एट टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर वेपर का टेम्परेचर हो है वो ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट से, तो टेम्परेचर है जो बॉइलिंग टेम्परेचर की जो डिग्री है फिर वो एक्सीड कर जाएगी सुपर हीट स्टीम में, ठीक है। आप इसको इतना भी याद रख सकते हो कि सुपर हीटेड स्टीम वो स्टीम है जो कि एक ड्राई स्टीम है जिसमें कोई भी वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये अलग टर्म है, वो हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट टू एनी सिस्टम देन दैट सिस्टम परफॉर्म टू ऑपरेशंस। जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, तो वो जो सिस्टम है वो टू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है एंड वर्क का जो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, देन डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। जब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं इनकम्प्रेसिबल होंगे तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। डेंसिटी क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अगर वो कंप्रेस ही नहीं हुए तो वॉल्यूम तो जीरो ही होगी ना, डेंसिटी जीरो होगी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ डेंसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ एनी सिस्टम। तो यहाँ पे जो वर्क ट्रांसफ़र है थ्रू द सिस्टम वो भी जीरो होगा, डेंसिटी जीरो है तो वर्क ट्रांसफ़र भी जीरो होगा। इफ वी विल प्रोवाइड कॉन्स्टेंट हीट सप्लाई टू सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम देन ओनली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, वर्क डन इन जीरो। अगर हम सॉलिड्स एंड लिक्विड सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहें तो क्या होगा, ओनली एनर्जी है जो इंक्रीज होगी, वर्क डन तो वर्क का जो उसका वर्क ट्रांसफ़र वो तो अभी भी जीरो होगा। सॉलिड्स एंड लिक्विड स्पेसिफिक हीट आर नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस। जो सॉलिड्स एंड लिक्विड की स्पेसिफिक हीट है वो डिपेंड नहीं करती प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस है वो डिपेंड करती है प्रोसेस के ऊपर, जैसे कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गामा, ठीक है। तो ये गामा बताई गई है, 1.6 होगी तो मोनोटॉमिक गैस होगी, 1.4 होगी तो डायटॉमिक गैस होगी, 1.33 होगी तो ट्राई एटॉमिक गैस होगी। ये स्पेसिफिक हीट की रेशो बताई गई है गामा रेज में। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। द स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये वो हीट है जो हम किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं उसका 1 डिग्री रेज करने में। द स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर टू द रेज ऑफ टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हम उस ठीक है, आपको समझ आ गया ना कि एक कोई भी आपके पास जो है
कंपोनेंट मटेरियल है उसमें जो उसका पर यूनिट मास हम अमाउंट है जो चाहिए होगी हमें टेम्परेचर की पर यूनिट मास चाहिए होगा उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करने में, कितना टेम्परेचर, सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में कितने हमें पर यूनिट मास रिक्वायर है हीट का, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिखा गया है इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, एंड पी है स्पेसिफिक हीट, एम है मास, क्यूटा है हीट एनर्जी। लास्ट टॉपिक है हीट बैलेंस। द अमाउंट ऑफ हीट एंटरिंग अ सिस्टम मस्ट इक्वल टू द चेंज ऑफ हीट लीविंग द सिस्टम। एट स्टेडी स्टेट द एक्युमुलेशन टर्म इज जीरो एंड हीट एंटरिंग द सिस्टम मस्ट इक्वल दैट लीविंग द सिस्टम। जो हीट एनर्जी है वो अमाउंट है, ये भी आपके एनर्जी बैलेंस के हिसाब से बस वैसा ही है, ठीक है। जो हीट एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम के अंदर गई इज इक्वल टू हीट एनर्जी जो बाहर आई, ठीक है, प्लस अकमुलेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटरिंग अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू, वो इक्वल होनी चाहिए जितनी की हीट एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम को। हीट एनर्जी जितनी हमने प्रोवाइड की इज इक्वल टू होनी चाहिए जितनी एनर्जी वो बाहर आ रही है उस सिस्टम से, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे कोई अकमुलेशन जीरो होती है, ठीक है। अगर स्टेडी अनस्टेडी स्टेट है तो अकमुलेशन है जो हीट की जीरो से ज़्यादा होती है। तो इस टॉपिक में हमने एनर्जी बैलेंसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना था टोटल एनर्जी जितनी एंटर कर रही है सिस्टम में माइनस जितनी एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम को इज इक्वल टू कितना चेंज आया है आपकी टोटल एनर्जी में। नेक्स्ट हमने किया था सेंसिबल हीट एनर्जी, उसमें क्या था कि किसी भी मटेरियल का आप टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हो उसको आप अपने हाथ से टच करके देख सकते हो, उससे एक सेंसिबल हीट एनर्जी बोला था वो एनर्जी जो कि प्रोड्यूस हो रही थी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट था लेटेंट हीट एनर्जी, लेटेंट हीट एनर्जी में क्या था कि वो एनर्जी जो रिक्वायर थी किसी भी प्रोडक्ट को एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, जैसे वाटर को वाटर टू वेपर, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम। सैचुरेटेड लिक्विड ये प्रॉपर्टी क्या थी, वो लिक्विड जो कि वेपोराइज होने के लिए स्टार्ट है उसे सैचुरेटेड लिक्विड बोला था। सैचुरेटेड वेपर ये क्या थे कि जो सैचुरेटेड हमारा लिक्विड है वो कम्प्लीटली जब कन्वर्ट हो जाए सैचुरेटेड वेपर्स में उसे सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं, ठीक है, वेपोराइज हो गया। उसके बाद था वेपर लिक्विड मिक्सचर, उसमें क्या था कि जो हमारा वाटर है एंड सैचुरेटेड लिक्विड एंड जो हमारा वाटर है वो सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर्स दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर है जो सेम रहेगा जब तक सारा जो सैचुरेटेड लिक्विड है कन्वर्ट ना हो जाए वेपर्स में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, ये एक ड्राई स्टीम होती है जिसमें वाटर की एक भी ड्रॉपलेट नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ड्राई स्टीम होती है। जब वाटर वेपर्स का टेम्परेचर हाई हो जाए बॉइलिंग पॉइंट से तो टेम्परेचर है जो एक्सीड कर जाता है सुपर हीटेड स्टीम को, ठीक है, वो उसे सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उसमें हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल होंगे तो उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी तो जीरो रहेगी, तो वर्क डन कहाँ से चेंज हो जाएगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो रहेगा, ठीक है। अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते रहें कांस्टेंट मोड पे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी पर वर्क डन तो अब भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो कि चाहिए वो अमाउंट ऑफ हीट है जो पर यूनिट मास है रिक्वायर है हमें किसी भी चीज़ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है, उसे स्पेसिफिक हीट बोला। नेक्स्ट हमने पढ़ा हीट बैलेंसेस, हीट बैलेंसेस में हमने पढ़ा कि जो एनर्जी हम किसी भी सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं वो मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए जितनी एनर्जी उस सिस्टम से बाहर आ रही है,
जितनी हीट एनर्जी उस सिस्टम से बाहर आ रही है, ठीक है। अगर प्रोसेस स्टेडी स्टेट में है तो अकमुलेशन टर्म है जो जीरो होती है, ठीक है। अगर अनस्टेडी प्रोसेस होगा तो अकमुलेशन है जो जीरो से ज़्यादा होगी। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।